नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ओमिक्रॉन का कहर पूरी दुनिया में जारी है, भारत में भी स्थिति गंभीर होने लगी है। अब मैं आपके सामने आया हूं ओमिक्रॉन से जुड़ी हर अपडेट लेकर। यानी अगर आपने ये खबर देख ली, ये वीडियो पूरा देख लिया, तो मींस आपने खुद को पूरी दुनिया से अपडेट कर लिया कि ओमिक्रॉन का दुनिया भर में क्या कुछ हाल है। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं ओमिक्रॉन से जुड़ी कि WHO ने अलर्ट जारी किया है और आने वाले टाइम पर सावधान रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने यूरोप को सख्त लहजे में कहा है कि अगर आपने सावधानी नहीं बढ़ाई तो ओमिक्रॉन के मामले हद से पार पहुंच जाएंगे और इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपके बस की बात नहीं होगा ओमिक्रॉन के बढ़ते जो पाव पसार रहा है उसे संभाल पाना। ब्रिटेन की हालत भी गंभीर है। ब्रिटेन में नए केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के वो अब 45,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी स्थिति पहले से ही गंभीर थी, अब और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। कमोबेश ऐसे ही हालात अमेरिका में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी अब वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया है। वो लोगों को एक कैंपेन के तौर पर उकसा रहे हैं कि वो जाएं और जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है वो करा लें, ताकि ओमिक्रॉन अगर आता है देश में, लहर के तौर पर आता है, आंधी के तौर पर आता है, तो कम से कम जान माल का नुकसान वहां पर हो पाए। इसके अलावा अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जर्मनी जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है और हमेशा वहां एक न्यू ईयर को एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर मनाया जाता है, एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन अब पूरी तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल में ओमिक्रॉन से मौत का मामला पहला सामने आया है। इसराइल में एक 60 साल के शख्स की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी नई बुकिंग पर रोक लगा दी है। यानी जो बुकिंग्स पहले हो चुकी हैं उन्हें तो सुचारू किया जाएगा, लेकिन अब कोई भी नई बुकिंग नहीं होगी। और खास तौर से ये पैरामीटर्स अपनाए गए हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर। यानी जो बाहर के फ्लाइट आ रही हैं, जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम आपको भारत के हालात बताते हैं कि आखिर भारत में क्या कुछ हालात हैं ओमिक्रॉन को लेकर। भारत सरकार का राज्यों को अलर्ट जा चुका है और 213 मामले अब तक ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं देश भर में। ये 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं। यानी 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 57 केसेस अकेले दिल्ली में हैं। ये बात हो रही है देश की राजधानी दिल्ली की। नीति आयोग बिल्कुल अलर्ट कर दिया है कि जिन्होंने अब तक टीके नहीं लगवाए हैं वो फटाफट जाकर टीके लगवाएं। जिनकी फर्स्ट डोज हो चुकी है, सेकंड डोज रह जाती है, वो अपनी सेकंड डोज लगाकर टीकाकरण कंप्लीट करें। और इसके अलावा 200 मामले, 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो अब सरकार भी खलबली में है। कल पीएम मोदी इस पर एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें राज्यों के साथ किस तरह से समन्वय किया जाए ताकि ओमिक्रॉन को पांव पसारने से रोक लिया जाए। इसके अलावा नीति आयोग ने सभी राज्यों को अलर्ट भेज दिया है। उन्हें कह दिया है कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए वो कड़े कदम जरूर उठा लें। यानी अगर आपको कर्फ्यू लगाना है, आपको नाइट कर्फ्यू लगाना है, आपको भीड़ भाड़ पर प्रतिबंध लगाना है, आपको बाजारों में कुछ नई गाइडलाइंस जारी करनी है तो आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत कम है और हालात बहुत ही ज्यादा कठिन हम देख रहे हैं। उधर माइक्रोसॉफ्ट के जो को-फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि उनके एक नज़दीकी को जब से ओमिक्रॉन हुआ है तो वो बहुत डरे हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जितनी भी योजनाएं थी अब अपकमिंग फेस्टिव सीजन को लेकर, न्यू ईयर को लेकर, वो सारी छुट्टियां वो कैंसिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ओमिक्रॉन से डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधान करने के लिए ज़रूर है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से विदेशों से लेकर देश तक में ओमिक्रॉन के क्या कुछ हालात हैं। सरकारें अलर्ट पर हैं, WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसके बाद हालात चिंताजनक जरूर हैं। तो इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, इन सब चीज़ों को अपनाकर इस महामारी से खुद को बचा सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।